तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं, इस गाड़ी के अंदर आ रही है देखिए चेक इंजन लाइट, ठीक है, और वो किस चीज़ में आ रही है, एयर बैग में, ठीक है। एंड एयर बैग में जो लाइट आ रही है ये आ रही है हॉर्न की वजह से। गाड़ी में मैं कितना भी इसको प्रेस कर लूँ हॉर्न नहीं बज रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, या तो एयर बैग में कोई फॉल्ट आ जाए, अभी देखेंगे इसमें सिस्टम में, ठीक है, या फिर अगर हॉर्न नहीं बज रहा है तो हो सकता है क्लॉक स्प्रिंग ख़राब हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। फ्यूज़ एंड रिले की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ होता है, वो भी मैं दिखा दूँगा, पर पहले डायग्नोस करेंगे, ठीक है, एंड इसके बाद कन्फर्म करेंगे कि क्लॉक स्प्रिंग ख़राब है या नहीं। तो अभी चेक इंजन लाइट आ रही है इसमें एयर बैग की, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट हम पहले स्कैन करेंगे गाड़ी को, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल भर देते हैं, निसान मैग्नाइट गाड़ी है, ठीक है, एंड अभी इसको कर लेते हैं। पहले सीधा वहीं पहुँचते हैं होम पेज पे जहाँ पर इसका डीटीसी कोड आएगा। तो दोस्तों स्कैन हो चुका है, एंड यहाँ पर देखिए इसमें दिखा रहा है एयर बैग के अंदर B001-13 यानी 13 ड्राइवर्स फ्रंट एयर बैग सर्किट CO यानी ओपन सर्किट या वायरिंग से रिलेटेड। जहाँ पर भी सर्किट आ जाए समझ लेना वायरिंग का इशू है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से कन्फर्म होता है कि गाड़ी की क्लॉक स्प्रिंग में इशू है, पर उसको कैसे कन्फर्म करें कि क्लॉक स्प्रिंग ही ख़राब है। दो तरीके हैं, एक तो इस DTC कोड को आपके पास सर्विस मैनुअल होता है या गूगल पे आप सर्च करो तो उसमें प्रोसेस बताता है स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे चलो वैसे चलो, ये चेक करो वो चेक करो। दूसरी चीज़, आपको अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना तो सीधा चेक करो इसका फ्यूज़ कैसा है, फ्यूज़ ओके है या नहीं है। बट इस कंडीशन में फ्यूज़ मिलेगा ओके, क्योंकि वायरिंग का इशू दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा रिले भी इसकी ओके मिलेगी, बट अभी हमें कन्फर्म क्या करना है, सिर्फ ये कन्फर्म करना है कि इसका जो कनेक्टर है हॉर्न का उस तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर उस पर सप्लाई इसको प्रेस करते टाइम आ रही होगी तो फिर इशू कहीं और है, ठीक है, कहीं और है, मतलब इस सिस्टम इसके अंदर नहीं है, क्लॉक स्प्रिंग के अंदर इशू नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब सप्लाई अगर उस पर आ रही है तो हॉर्न ख़राब है सीधा सीधा। दूसरा एयर बैग में इशू हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उस पर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर क्लॉक स्प्रिंग भी हो सकती है। तो पहले सप्लाई कन्फर्म कर लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही, फिर उसके बाद कन्फर्म हो जाएंगे कि इसकी क्लॉक स्प्रिंग ख़राब है, ठीक है। तो चलो पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई इशू आता है आपकी गाड़ी में हॉर्न नॉट वर्किंग से रिलेटेड, सीधी सीधी सी बात बताऊं आपको, अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग की लाइट आए तो उसमें 99% केस यही होता है कि गाड़ी की क्लॉक स्प्रिंग ख़राब है, बट प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही आपको चेंज करना है। तो इसमें यहाँ पर ये देखिए वायर वाले फ्यूज़ बॉक्स में ये, ठीक है, 12 वोल्ट 20 एम्पियर की जो ये रिले है ये इसकी हॉर्न की रिले होती है, ठीक है। एंड ये तो रिले हो गई, और अंदर जो है अंदर वाला जो फ्यूज़ बॉक्स है, हॉर्न का फ्यूज़ यहाँ नहीं मिलेगा आपको, 15 एम्पियर का फ्यूज़ अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, उसकी भी मैं लोकेशन आपको दूंगा, ठीक है। उससे पहले हॉर्न कहाँ कहाँ रहता है इसके अंदर मैग्नेट में वो बता देता हूँ। एक तो हॉर्न ये हो गया है सामने ही, और एक बिल्कुल इधर है फ्रंट बिल्कुल सामने की साइड में, ठीक है। तो सप्लाई को चेक करने के लिए हमें ये कनेक्टर निकाल लेना है और हॉर्न प्रेस कराना है, और इसके बाद चेक करना है सप्लाई आ रही है तो फिर इशू कोई और है, बट हॉर्न नहीं बज रहा, सप्लाई यहाँ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, हॉर्न चेक करने के लिए ग्राउंड की वायर जो है ये इस पर लगा देनी है, ठीक है, ग्राउंड की वायर में लगा देनी है। एंड दूसरी प्रॉब इसके पॉजिटिव कनेक्टर में, ये देख रहे हो ये वाइट वाला जो कनेक्टर है मोटा वाला, इसमें इसकी सप्लाई आएगी, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी एक प्रोब इसमें लगा सकते हैं ग्राउंड वाली, एंड रेड वाली जो है ये इसमें लगा सकते हैं दूसरे में। तो मैं इस पर यहाँ लगा रहा हूँ और डायरेक्ट सप्लाई इस पर दिलवाऊँगा। एंड वोल्टेज जो है 20 पे करके रखना है आपको, ठीक है, इसकी जो प्रोब है। अभी यहाँ मैं हॉर्न दबाऊँगा, दबाओ हॉर्न ज़रा, देखो वहाँ लड़का उसको दबा रहा है, ठीक है, दबा रहा है ना। एंड यहाँ देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी सप्लाई यहाँ पर नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है रिलेस की। तो इस हॉर्न के कनेक्टर को लगा देते हैं वापस से। जब इसको निकालना होता है तो आपको ये वाला ऊपर की जो पिन है इसको नीचे प्रेस करना होता है, ऐसे ये बाहर आ जाता है, और लगाते टाइम कोई ज़रूरत नहीं है इसको दबाने की, सीधा लगाओ और लॉक कर दो, ठीक है, ऐसे लग गया है।
अभी इसके फ्यूज़ की लोकेशन मैं बता देता हूँ, रिले इसकी मैंने चेक कर लिया, रिले ओके है, अभी फ्यूज़ और चेक कर लेते हैं। एंड दोस्तों अब हम आ गए हैं अंदर फ्यूज़ बॉक्स की तरफ, तो आपको यहाँ देखना है 15 एम्पियर का फ्यूज़ 13 नंबर पे आपको मिलेगा, 15 एम्पियर का फ्यूज़ इस लोकेशन में फ्यूज़ बॉक्स में, आपकी मैनुअल बुक के अंदर वो दिख जाएगा, मैं चेक कर चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मैं मैनुअल बुक में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो फ्यूज़ भी ओके है। तो दोस्तों जब आप अपनी मैनुअल बुक को ओपन करेंगे, इसका पेज नंबर देख लो 823, ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 नंबर पे होरन 15 एम्पियर, BCM 15 एम्पियर, 15 रेडियो 15 एम्पियर, ठीक है, इसके बाद डोर लॉक 25 एम्पियर। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे अंदर की तरफ लगातार तीन चार फ्यूज़ हैं, ठीक है, 15 15, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें एक फ्यूज़ आपको 15 एम्पियर का होरन का मिलेगा अंदर की तरफ, वो फ्यूज़ आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, अगर होरन कभी आपकी गाड़ी का नहीं बजता है। अभी यहाँ कंफर्म हो गया, फ्यूज़ भी ओके है एंड रिले भी ओके है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसका आता है इशू क्लॉक स्प्रिंग का, एंड क्लॉक स्प्रिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी इसमें हम क्लॉक स्प्रिंग रिप्लेस कर देते हैं एंड उसके बाद आपको मैं इसी गाड़ी का हॉर्न बजा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्लॉक स्प्रिंग में ले आया हूँ, देखिए 1578 रुपये की है एंड इसके अंदर ये क्लॉक स्प्रिंग है पूरा, ठीक है, निशान की पैकिंग में ये पार्ट नंबर होता है। एंड क्लॉक स्प्रिंग में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आप यहाँ देखना इसके अंदर, ठीक है, रबर, ठीक है, अभी मैं इसको रोटेट करूँगा ना, ये तो ख़राब हो ही चुकी है, एंड आप इसमें देखना इसके अंदर जो ब्लैक वाइट कलर का वो है धग्गा सा, ये देख रहे हो, ये इकट्ठा हो गया है इसमें, यहाँ देखिए, ये देख रहे हो, ये टूट चुकी है, इस वजह से ये ना इकट्ठा हो गया एक जगह जाके, ठीक है, इसको रोटेट करता रहूँगा, आप देखते रहना। एंड क्लॉक स्प्रिंग इसी वजह से, मतलब हॉर्न जो एयरबैग की लाइट आ रही है, इसी वजह से एयरबैग की लाइट आ रही है, चाहे कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो, ये देखो यहाँ से, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो फ्रेंड्स, क्लॉक स्प्रिंग टूट जाती है तो एयरबैग का शो कराता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक ये है इसके अंदर, एंड आगे भी आप इसमें देखना, मैं दिखाता हूँ ज़रा, तो यहाँ देखिए कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, एक तरफ ये इकट्ठा हो गया है टूट के, एंड यहाँ पर इसका टूटा हुआ हिस्सा दिखेगा, यहाँ पर देखिए कितनी जगह इकट्ठा इसके अंदर हो गया आगे। तो ये क्लॉक स्प्रिंग हो गई है ख़राब, ये इससे कंफर्म हो जाता है, ठीक है, एंड ये रोटेशन पे रोटेशन लेती रहेगी, ठीक है, ये देखिए दो तीन रोटेशन मैं इसमें दे चुका हूँ, एंड दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, ठीक है, एंड यहाँ आके रुका है ये, ठीक है। तो क्लॉक स्प्रिंग का जो रोटेशन होते हैं वो आई थिंक ढाई रोटेट होता है, एक पूरा यहाँ तक, दो पूरा यहाँ तक, एंड यहाँ आके ढाई या मैक्सिमम तीन, ठीक है, एक तरफ तीन या एक तरफ तीन, या एक तरफ ढाई या एक तरफ ढाई। इस कंडीशन में कंफर्म हो गया कि ये टूटी हुई है, अभी इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड आगे हॉर्न बजा के चेक करेंगे, एंड वो एयरबैग की जो लाइट क्लस्टर में आ रही है उसको भी कंफर्म करेंगे है कि नहीं है। तो इस क्लॉक स्प्रिंग को खोलने के लिए चार स्क्रू ड्राइवर से चार पेज खोलने हैं और ये रिप्लेस हो जाएगी। तो दोस्तों अभी इसकी क्लॉक स्प्रिंग मैं बदल चुका हूँ, ठीक है, ये देखिए एयरबैग की लाइट अभी भी इसमें शो कर रही है एंड अभी चली गई है, फॉल्ट ख़त्म होते ही ना गाड़ी के अंदर से, ये देखिए यहाँ आ रही है अभी भी, इसको भी मैं चेक करूँगा क्यों आ रही है, बट क्लॉक स्प्रिंग बदलते ही हॉर्न इसका बजने लग गया, ये देखिए अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो मैं एक बार आगे से भी दिखा देता हूँ, देखिए लड़का जा रहा है हॉर्न बजाने के लिए, तो हॉर्न इसका बज चुका है एंड अगर हॉर्न बज चुका है तो यहाँ पर भी सप्लाई आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो सप्लाई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसका क्लॉक स्प्रिंग ख़राब था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अभी क्या करेंगे, सिस्टम से एक बार उस कोड को इरेस भी कर देते हैं, गाड़ी में नो DTC करते हैं। तो दोस्तों देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एक्सलेटर भी दे रहा हूँ एंड ये अभी भी एयरबैग की लाइट आ रही है, सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, इसको इरेस करते हैं फिर देखते हैं DTC बचते हैं कि नहीं बचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर स्टार्ट करने के बाद भी लाइट है गाड़ी के अंदर, उससे पहले आपको कंफर्म कर लेना है इसके जो कनेक्टर थे एयरबैग के वो प्रॉपर है कि नहीं है, एंड दूसरी मतलब एयरबैग की जो क्लॉक स्प्रिंग के जो वायर हैं, एंड दूसरा कनेक्टर ये वाला है, ठीक है, इसमें ये वाला होता है ना, दोनों वायर होते हैं, तो इन दोनों कनेक्टरों को, क्योंकि नए हैं एंड ये प्रॉपर फिक्सअप है कि नहीं है, ठीक है। एंड मैं बहुत देर तक अभी कन्फ्यूज़ रहा था कि यार प्रॉपर मैंने कनेक्शन लगाए हैं बट हो क्यों नहीं रहा, लाइट जा क्यों नहीं,
इस कनेक्टर के अंदर बैठना चाहिए। ये नीचे वाला जो कनेक्टर है ना, इसने कन्फ्यूज कर दिया था, ठीक है, ये बैठा नहीं था प्रॉपर। ये वाला जो ब्लैक कलर का आपको दिखा रहा हूँ मैं सामने, ये बैठा नहीं था, इस वजह से स्टार्ट कंडीशन में गाड़ी में लाइट आ रही थी। फिर भी अभी देखिए गाड़ी बंद है, लाइट चली गई है, एंड जो कोड है वो पास्ट में आ जाएगा इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड अभी दोबारा एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ, गाड़ी में कोई लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, डोर जो पीछे वाला खुला हुआ था, एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ, हॉर्न भी अच्छे से बज रहा है, ठीक है, बस अब सिस्टम में कंफर्म करना है कोड है या नहीं, ठीक है। डायग्नोस होल पे वैसे ही जाना है सीधा जैसे इसको हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली ये सिस्टम हैंग हो जा रहा है बहुत ज़्यादा बार बार, एंड ये यहाँ से आगे सेलेक्ट का ऑप्शन इसमें बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। बट यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, वो कोड डिलीट हो जाएगा, ओके हो गई है गाड़ी। अगर ओके नहीं होती तो क्लस्टर मीटर के अंदर जो लाइट आ रही थी एयरबैग की, ठीक है, वो स्टार्ट कंडीशन में आ जाती फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी लाइट जा चुकी है एंड सिस्टम से मैं नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट लाइट जा चुकी है, गाड़ी ओके हो गई है, ठीक है। तो आपको ना बस जो लाइट आ गई थी ये कनेक्टर चेक कर लेना है प्रॉपर सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ये, ठीक है, ये लूज रह गया था इस वजह से वो लाइट आ गई थी ये वाला, ठीक है, ये वाला कनेक्टर क्लॉक स्प्रिंग का। तो अभी गाड़ी में कोई डीटीसी नहीं है, गाड़ी का हॉर्न भी अच्छे से बज रहा है, गाड़ी ओके हो गई है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देखिए मैं यहाँ से इसको ना कट कर रहा हूँ, अभी देखो ये देखो खूब कट कर रहा हूँ, पर ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, इस पर क्लिक कर रखा है मैंने, या ये ना ये, एंड यहाँ से देखो मैं इसको दबा रहा हूँ पर ये काम नहीं कर रहा, हैंग हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।